टारगेट भी डालो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी साहित्य अनुरागियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज पुनः उपस्थित हुए हैं, पब्लिकली उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो सबका हो रहा है वह सांचारिक रूप से हो रहा है, टॉपिक को लेकर के हो रहा है और आपको किस संदर्भ में हो रहा है इसको भी देख लिया जाए। आज हम लोग बात करेंगे सहायक अध्यापक के बारे में। हम सहायक अध्यापक को लेकर के हमारा जो संस्थान है टारगेट भी डायलॉग, यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसमें रवि सर के निर्देशन में, आलोक सर के निर्देशन में हम लोग बहुत ही अच्छा बैच बनाए हैं और यह सफलता की पराकाष्ठा देने का हम लोगों का यह स्वप्न है कि हम लोग मिल करके, यानी पूरी हमारे संस्थान के सभी शिक्षक बैठ करके मीटिंग में बकायदे ये हुआ है कि इसमें झंडा बुलंद करना है, यानी अपने निशान को, अपने केत को पराकाष्ठा की बिंदुओं पर ले जाना है और आपको निश्चित तौर पर सफलता के अंक को दिला करके और आपको प्रसन्न चित्त मुद्रा में प्रवेश करा देना है। हम जो एक विचारधारा जो हमारी पनपती है और जो जिस समाज में हम अभी रह रहे हैं, कहीं न कहीं मुख्य धारा से अगर बेरोजगारी है तो कहीं न कहीं मुख्य धाराओं से हम क्या कट गए हैं। कभी कभी इस मुख्य धाराओं में जुड़ने के लिए सामाजिक रूप से हमको प्रतिष्ठित होना पड़ता है, तो सामाजिक रूप से अगर प्रतिष्ठित होना है तो इससे बढ़िया और इससे बेहतर आपको अब विकल्प इस गवर्नमेंट में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यह जो भर्ती प्रक्रिया है इतनी तेजी से यह होने वाली है कि फिर आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते हैं। इसलिए अपनी पूरी ऊर्जा को, अपनी पूरी एनर्जी को, पूरी ताकत को आप झोंक दीजिए और आप इसमें हम लोगों के साथ जुड़िए। निश्चित तौर पे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, एक सकारात्मक सलाह मिलेगा, एक सकारात्मक सोच मिलेगी और कोर्स के साथ साथ हम लोग बात करेंगे, यानी उसमें हम सफलता की आपको गारंटी है कि अगर आप हमारे द्वारा पढ़ाया गया, ये पब्लिकली बोला जा रहा है कि पढ़ाया द्वारा अगर आपने आत्मसात कर लिया तो निश्चित तौर पे आपका कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। हम लोग पूरा नोट्स के साथ, यानी आपको प्रिंटेड नोट्स पहुंचेंगे, यानी जो मैटर रहेगा वो मैटर जाएगा ही जाएगा, क्लास में जो हम लोग पढ़ाएंगे जो क्लास नोट्स होगा वो तो जाएगा ही जाएगा। तो आइए इन सब बातों के साथ, अगर आपको अभी हमारा क्या है, जो एडमिशन है वो ओपन है, चल रहा है, आपको व्हाट्सएप इन नंबरों पर एंट्री जूनियर लिख करके भेज देना है, यानी 8382966779 इस पर आपको जूनियर एंट्री जूनियर लिख करके आपको भेज देना है, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। और आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में जो आपको जुड़ना है, अगर है टेलीग्राम से जुड़ना है तो फ्री टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं, वहां पर नंबर भी दिया गया है। और अगर और भी समस्या होती है तो स्क्रॉल में जो नंबर चल रहे हैं इस स्क्रॉलिंग नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी कोई समस्या होगी नहीं। अगर बाय द वे कभी कभी ऐसा होता है, आप लोगों की ऐसी होती है कि सर मैंने बहुत बार मिलाया लेकिन मिल नहीं रहा है, तो ऐसा होता है कि इतने देखिए आपके सामने एक नंबर नहीं चल रहे हैं, अनेक नंबर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कॉल ज्यादा आती है तो व्यस्तता स्वाभाविक सी बात है, वो व्यस्त बताएगा, लेकिन आप प्रयास करिए, आपका नंबर लगेगा, सारे नंबर ओपन हैं और आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम आते हैं, अब कुछ टॉपिक हम आज आपको हिंदी साहित्य की अवधारणा पर आते हैं और हिंदी साहित्य की अवधारणा में आज हम कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही रोचक टॉपिक है और बहुत ही हिंदी साहित्य की विचारधारा में इसका जो जन्म होता है, इसकी जो विविध आयाम होते हैं वह कुछ रोचक ही होते हैं। अलग अलग मत है, अलग अलग विद्वान हैं, तो मत मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, आप जान ही रहे हैं कि जितने मत होंगे, जितना यह सर होगा, जितना सोच होगा, उतने ही रूपों में बातें आएंगी। जब फिक्सेशन नहीं है
तो निश्चित तौर पे ये जो विचारधारा है वह निकलेगी और अपने रूप में निकलेगी। आज हम बात करेंगे, हम देखेंगे कि भक्ति काल पर आज हम बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? भक्ति काल पर बात करेंगे, यानी हम जो है इस भक्ति काल की अवधारणा में आपको इतना तो पता होगा कि पूरे हिंदी साहित्य को चार भागों में विभाजित किया गया है, यानी चार कालों में विभाजित किया गया है। इस चार काल में कौन कौन से होते हैं? आदिकाल होता है, भक्ति काल होता है, रीति काल होता है और आधुनिक काल होता है। अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग मत है और इस मत में आपको जानना पड़ता है कि आखिर ये उत्पन्न कैसे हुआ। हम जब आदिकाल चल रहा था तो क्या आवश्यकता हुई कि भक्ति काल आ गया? कैसे आ गया? कोई ना कोई कारण होगा, रीजन होगा भक्ति काल आने का। यूं ही तो ऐसा है नहीं कि भाई आप चल रहे हैं तो अब चल रहे हैं तो चल रहे हैं, तो अब इसमें बीच में अगर कोई पड़ाव आ जा रहा है, बीच में कुछ नाम बदल रहा है तो उसका कोई कारण होगा। ऐसे ही कारण नहीं होगा कि हम जो है चल रहे हैं या हमारा नाम है तो बीच में अगर नाम हमारा परिवर्तित हो रहा है तो उसका कोई कारण जरूर होगा। अब कारण क्या है, इन पहलुओं पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर भक्ति काल नाम लेते हैं तो आपके मानस पटल पर आना क्या चाहिए? सबसे पहले अगर आप सोचिए कि अगर ये नाम लेते हैं तो आपके मानस पटल पर क्या आना चाहिए, तो आना ये चाहिए कि ये भक्ति काल का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है और किस शब्द से बना है। दो बातें हमको क्लियर है कि पहली चीज हमको आना चाहिए किस भक्ति का, ये जो भक्ति है ये तो काल है, समय है, कोई दिक्कत नहीं है, इस भक्ति का, इस भक्ति शब्द का उल्लेख कहां हुआ है, पहली चीज उल्लेख कहां हुआ है। और दूसरी चीज ये आना चाहिए किस भक्ति का मतलब क्या होता है, यानी भक्ति का अर्थ क्या होता है, भक्ति का अर्थ क्या होता है, यह किन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, आदि आपको संदर्भित होना चाहिए। उसके बाद से इसकी विस्तृत अवधारणा आना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर भक्ति की बात करें तो सबसे पहले उल्लेख जो इसका मिलता है वे श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसका उल्लेख मिलता है। श्वेताश्वर उपनिषद में इसका उल्लेख मिला। यह भक्ति जो शब्द है, इस भक्ति शब्द का जो मूल रूप है, जो धातु है हमारा, वो भज है। यानी भज धातु से क्या हुआ है, भक्ति का प्रकटन हुआ है, भक्ति का निष्पन्नीकरण हुआ है। तो यहां पर भज का अर्थ क्या होता है, तो भज का आप सामान्य बातें समझिएगी। आप कहते हैं कि हम राम का नाम भज रहे हैं, हम कृष्ण का नाम भज रहे हैं, हम अल्लाह का नाम भज रहे हैं, तो भज का मतलब क्या होता है, भज का मतलब सुमिरन करना। भज का मतलब क्या होगा, अगर हम कहें सुमिरन करना तो गलत नहीं होगा। भज का अर्थ सुमिरन करना, और भज का अर्थ क्या हो सकता है, भज का अर्थ स्मरण करना हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, भज का अर्थ स्मरण करना, स्मरण करना ये भी तो हो सकता है, भज का अर्थ भजना भी हो सकता है, भजना भी हो सकता है, हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, स्मरित करते हैं, यानी स्मरण करते हैं, याद करते हैं। किसको याद करते हैं, अपने ईश को याद करते हैं, अपने उसको याद करते हैं जिसको हम मानते हैं, जिससे ये जानते हैं कि यह अदृश्य होते हुए भी मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को दूर करेंगे, मैं अपने उस इष्ट को याद करता हूं। तो यानी उस इष्ट का स्मरण करता हूं, उस इष्ट को याद करता हूं, उस इष्ट का सुमिरन करता हूं।
तो हम जो है अब ये बातें आई तो भक्ति काल में जो हम सुमिरन कर रहे हैं तो क्या आदि काल में ऐसा नहीं होता था या आदि काल में क्या हम सुमिरन नहीं करते थे? होता था, निश्चित तौर पे होता था। लेकिन आपको जो यहां पर काल की अवधारणा आई है, जो भक्ति काल उभर कर सामने आया है, जिसको ग्रियर्सन ने स्वर्ण युग की संज्ञा दिया है, ये जो सामने आया है ना, इस पर हम आज बात कर रहे हैं कि ये भक्ति काल कैसे, ये पीरियड कैसे आ गया और ये पीरियड आने का कारण क्या है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान देना चाहिए कि इसका कारण क्या है। कारण यानी अगर हम कारण ये जान जाएं, कारण क्या है अगर हम ये जानते हैं क्या है। अभी तक देखे होता क्या था कि आदिकाल जब आप जानते हैं तो आदिकाल में जितनी भी रचनाएं होती थी वह रचनाएं क्या, साहित्य से संबंधित, जो साहित्य की विचारधारा होती थी वह दरबार से संबंधित होती थी। यानी अभी तक जो रचनाएं हो रही हैं वो दरबारी कवि लिख रहे हैं, राजाओं की प्रशंसा में लिखा जा रहा है। यानी हम जो रचना अभी तक आप पाएंगे वो किस में पाएंगे, राजाओं की प्रशंसा में पाएंगे, राजाओं की प्रशंसा में पाएंगे, इसमें पाएंगे, ठीक है। और क्या पाएंगे, युद्ध का, युद्धों का वीर रूप में वर्णन, युद्धों का वीर रस में वर्णन, ऐसा आप कह सकते हैं, वीर रस में वर्णन पाएंगे। किसी भी बात को, अच्छा जब राजा का वर्णन आप कर रहे हैं, वहां के लोगों का वर्णन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है अगर आप उसके आश्रयदाता हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा करके, साहित्य की अवधारणा है कि उसको बढ़ा चढ़ा करके आप प्रेषित करेंगे, तो जब बढ़ा चढ़ा करके आप प्रेषित करेंगे तो वहां पर साहित्य में अलंकारिता जुड़ जाएगी, साहित्य जो है थोड़ा यथार्थ आम जनता से कट जाएगा, क्योंकि आम जनता का वर्णन नहीं हो रहा है। जब आप किसी के आश्रित होते हैं तो आम जनता, जैसे अगर मैं ये कहूं कि अगर सरकार या कोई प्राइवेट आदमी, जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी है या अडानी है या कोई भी व्यक्ति है, और अगर ये आपको नियुक्ति दिया है तो उसका विरोध तो आप करेंगे नहीं, आप वह गलत काम भी करता है तभी भी क्या करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, नहीं नहीं बहुत ही अच्छा है, ये किसान बिल तो अति उत्तम है, पूछिए मत, सारे लोग कहेंगे जो उस पार्टी से रिलेटेड रहेंगे वो भी कहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे मत भी व्यक्त करेंगे, मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, यानी जो भी है कुछ लोग कहेंगे नहीं अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहेंगे अच्छा है। तो यहां पर केवल अच्छा नहीं है कि अवधारणा आई ही नहीं है, क्यों, क्योंकि एक वर्ग जो कवि वर्ग है, जो रचनाएं कर रहा है वो राजाश्रित है, तो जब राजाश्रित है तो वो राजा के गुणगान करेगा, राजा के संदर्भ में वो लिख रहा है, तो राजा के जब संदर्भ में लिख रहा है तो इनकी प्रशंसा करेगा, युद्धों का जो वीर रूप में वर्णन करेगा। अब जो है आदिकाल से ये धीरे धीरे क्या हो रही है, बातें समाप्त हो रही हैं, तो किसमें, हम भक्ति काल में जब प्रवेश कर रहे हैं, तो भक्ति काल में जब हम प्रवेश कर रहे हैं, यानी हम अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल मैं लिख रहा हूं, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं 1050 संबत से लेकर के 1375 संबत तक ये आदिकाल चलता है, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं 1375 संबत तक। तो इस 1350 से 1375 के बीच में, इसके बाद ये जो रचनाएं आदि हो रही हैं, इसके बाद हम भक्ति की अवधारणा में प्रवेश कर रहे हैं। तो भक्ति की अवधारणा में जब प्रवेश कर रहे हैं तो अब साहित्य जो है वह जनता से निकल रहा है, सर अब साहित्य जो है दरबार से निकल रहा है, जनता से नहीं बल्कि अब जनता के पक्ष में हो रहा है। अब जो रचनाएं लिखी जा रही हैं वह जनता को लेकर के लिखी जा रही हैं, अब जो वर्णन हो रहे हैं वह वर्णन हर एक को ध्यान में रख करके हो रहा है। तो भक्तिकाल में आम जनता की बातों को भी लिखा जा रहा है,
अब यहां से अब ये जब लिखा जा रहा है तो पुनः हम भक्ति की अवधारणा में क्यों आए। ये तो ठीक है कि लिखा जा रहा है, ठीक है, एक परंपरा है कि हम लिख रहे हैं कि ये काल समाप्त हुआ। मेन बात यहां पर आपको यह समझना है कि ये भक्ति काल, तो इसको भक्ति काल ही क्यों नाम दिया गया, आखिर क्यों नहीं इसका दूसरा नाम दे दिया गया। जैसे आप पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, हालांकि हजार प्रसाद द्विवेदी पूर्व मध्यकाल भी कहेंगे, अभी मैं जब काल पाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कौन कौन क्या कहा है, लेकिन मेनली भक्ति काल ही प्रसिद्ध हो रहा है और एक मान्यता भी इसको मिल गया है कि भक्ति काल। तो भक्ति काल मेरा सेंस ये है कि आप ये समझ जाइए कि भक्ति काल ही क्यों कहा जा रहा है, आखिर क्या कारण है। तो अलग अलग मत उभर कर सामने आएंगे, तो सबसे पहले इन मतों से पहले अगर हम ये जान जाएं कि कौन कौन से लोग इसका क्या नामकरण किए हैं, यानी इस भक्ति काल का नामकरण कौन कौन से लोग भक्ति काल क्या किए हैं, तो अब ये चीज यहां क्लियर हो गई कि भक्ति काल जो चलेगा वो अकॉर्डिंग टू रामचंद्र शुक्ल प्रमाणिकता के आधार पर 1375 से लेकर के, अगर हम ये कहें कि 1375 से लेकर के 1700 तक ये संबत है, और संबत में अगर सन निकालना है तो आपको क्या करना है, -57 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ईस्वी निकल जाएगा। तो यहां पर ये संबत में है, संबत तक ये कहते हैं ये भक्ति काल चलता है, ये चला। अब अलग अलग विद्वान हैं, अलग अलग नाम है, तो अब देखिए यहां पर अगर हम नामकरण की बात करते हैं तो यहां पर आप ये देख सकते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, इस युग को यानी 1375 से 1700 के बीच में संबत 1375 से 1700 के बीच में, 1700 संबत के बीच में, ये जो रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, यानी रामचंद्र शुक्ल हम लिखते हैं रामचंद्र शुक्ल, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको कहा है ये भक्ति काल नाम देते हैं, ध्यान रखिएगा इसको नाम देते हैं भक्ति काल नाम देते हैं, ठीक है। दूसरे पर आइए, दूसरा ये कह रहे हैं, यानी ये इसको पहला कर लीजिए, दूसरे पर आइए, और भक्ति काल किसने कहा, राम कुमार वर्मा भी क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं, ये भी संबत 1375 से लेकर के 1700 तक, यानी कुछ भी अंतर नहीं करते हैं, यानी यहां पर भी संबत 1375 से लेकर 1700 तक डॉक्टर राम कुमार वर्मा ये भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ये भक्ति काल ही है, यानी ये भी भक्ति काल ही मान लेते हैं और भक्ति काल के रूप में इसका वर्णन कर देते हैं। इसके बाद से है जो है बच्चन सिंह भी आते हैं, बच्चन सिंह क्या करते हैं, इन्होंने भी संबत में ही कहा है, लेकिन कहा है वो 1400 से 1600 संबत के बीच में, ये भी क्या कहते हैं, भक्ति काल कहते हैं, यानी तीसरे रूप में हम ये कहें कि संबत 1400 से लेकर 1600 संबत तक यह बच्चन सिंह कहते हैं कि बच्चन सिंह ने नाम दिया, बच्चन सिंह भी क्या कहते हैं, ये भक्ति काल ही है, यानी ये बच्चन सिंह भी कहेंगे। अब इसके अलावा यानी इन तीन लोगों ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने और बच्चन सिंह ने क्या कहा, ये भक्ति काल है, और समय भी बता दिए कि इतने से इतने के बीच में भक्ति काल चलता है। यहां पर श्याम सुंदर दास आते हैं, श्याम सुंदर दास जो है ये क्या करते हैं, यह भी ये भक्ति युग बताते हैं। अच्छा, श्याम सुंदर दास ने यह भी संबत में ही बात किए हैं, लेकिन इन्होंने भक्ति काल न कह करके उन्होंने क्या कहा है कि यह भक्ति युग है। तो यह जो है संबत 1400 से 1600, यानी जो इन्होंने लिखा है चौथा हम कहें तो यहां पर भी आ जाएगा
संवत 1400 से 1600 तक ये जो है श्याम सुंदर दास जी ने, श्याम सुंदर दास जी ने यहां इसको भक्ति युग कहे हैं। क्या कहे हैं? भक्ति युग कहे हैं। अच्छा, इन्होंने जो भी विभाजन किया है वह काल में न करके वह युग में किया है। तो ये क्या किए हैं श्याम सुंदर दास, संवत 1400 से 1600 के बीच में ये बताए हैं कि ये भक्ति युग चलता है। ये श्याम सुंदर दास बताते हैं। डॉक्टर नागेंद्र आते हैं, डॉक्टर नागेंद्र भी भक्ति काल ही कहते हैं, लेकिन इन्होंने, इनका जो विभाजन होता है मध्य से होता है, 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक ये मानते हैं, यानी डॉक्टर नागेंद्र आते हैं, ये भी मानते हैं भक्ति काल के रूप में ही, नागेंद्र भी मानते हैं। तो इतनी सारे विद्वान, अगर इतने विद्वान जो है इसको भक्ति काल या भक्ति युग ही मान रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे विद्वान हैं जो उन्होंने ही पूर्व मध्य काल कहा, यानी 1400 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक, यानी इन्होंने संबत में नहीं लिखा, हजार प्रसाद द्विवेदी ने क्या लिखा संबत में नहीं लिखा, बल्कि इन्होंने क्या किया ईस्वी में किया कि 1400 ईस्वी से लेकर के अगर हम पांचवें रूप में देखते हैं तो ये कह सकते हैं, पांचवें रूप में 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक, 1700 ईस्वी तक हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये क्या कहा है, यानी इस जो 1400 से लेकर ईस्वी में और 1700 के बीच में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पूर्व मध्यकाल की अवधारणा, यानी क्या कहे हैं इसको, पूर्व मध्यकाल कहे हैं, पूर्व मध्यकाल कहे हैं। भिन्न भिन्न विद्वान नामकरण किए हैं, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि भक्ति काल ही नाम सर्वोपरि आ रहे हैं, कुल मिलाकर के भक्ति ही की बात हो रही है। बात यह आ रही है कि अगर भक्ति है तो भक्ति उपजी कैसे, ये तो नामकरण की बात हमने कर लिया, तो भक्ति उपजी कैसे, भक्ति द्रावण उपजी लाए रामानंद, ऐसा ये कहा जाता है कि भक्ति की उत्पन्नीकरण जो हो रहा है वो कहां, दक्षिण भारत में हो रही है, द्रविड़ी में हो रही है। उत्तर भारत में लाने का काम कौन कर रहा है, रामानंद कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको एक स्लॉट में समझने का प्रयास करें कि हमको भक्ति काल में पढ़ना क्या है, भाई वे अगर मान लीजिए कि अगर ये मैं कहूं कि भाई अगर किन किन रूपों में आपको पढ़ना है तो ये क्या हुआ, भक्ति काल का नामकरण हुआ, क्या हुआ, भक्ति काल का नामकरण हुआ, ठीक है, भक्ति काल का नामकरण, ठीक है। इस बारे में आपने जाना, ये पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि नहीं। दूसरा, जो उदय है, हम दूसरे पॉइंट पे अगर बात करें, यानी भक्ति काल का जो दूसरा पॉइंट है, तो पहला पॉइंट हम देखें, इन पॉइंटों के अंतर्गत अगर रहकर बात करेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। पहला मैंने बताया कि नामकरण पर बात हो, यानी नामकरण, भक्ति काल का नामकरण। अगर हम दूसरे पॉइंट के रूप में अगर करते हैं तो भक्ति, भक्ति काल के उदय के विभिन्न मत, विभिन्न विभिन्न मत, ठीक है, इस रूप में भी हम क्या कर सकते हैं, आप पढ़ेंगे। अगर हम मत ये जान जाएं, हम इसका क्या करेंगे, तीसरे अगर हम कहें तो इसका मत है, इसकी विशेषता भी कुछ होगी और इसका विभाजन भी होगा, तो तीसरा हम क्या करेंगे, विभाजन के रूप में पढ़ेंगे। चौथा हम जो पढ़ेंगे वो भक्ति काल की विशेषता के रूप में पढ़ेंगे, तो हम इसको भक्ति काल का विभाजन यहां लिख देते हैं, तीसरा
भक्ति काल का, भक्ति काल का विभाजन, ठीक है, भक्ति काल का विभाजन। चौथा हम ये कर दें कि भक्ति काल की विशेषता, भक्ति काल की, भक्ति काल की विशेषता, इस रूप में हम बात करें। और पांचवा जो पॉइंट हम कह सकते हैं, यह पॉइंट कह सकते हैं, जो भक्ति काल के कवि हैं, कवि एवं उनकी रचनाएं, कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, ठीक है, प्रमुख रचनाएं। अगर मैं पूरा का पूरा ये कहूं कि इसमें आपका होल भक्ति काल समाहित हो गया है, अब आपको कुछ करना नहीं, इन पांच बिंदुओं को आप क्लियर कर लेंगे तो निश्चित तौर पे पूरे के पूरे भक्ति काल की अवधारणा आपको समझ में आ जाएगी, जिसमें हमने क्या किया है कि आपको नामकरण पर बात किया है। ये तो बात किया है ना कि किसने क्या नाम दिया और कब से कब ये चला। तो भक्ति काल की आप एक मोटी मोटा अवधारणा देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल को आधार मानकर चलेंगे तो संवत 1375 से लेकर के 1700 के बीच में रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं कि यह भक्ति काल चलता है, पहली बात, ठीक है, यानी जिसको हमने आपको अभी बताया है, बता चुका है। दूसरा हम कहते हैं कि भक्ति काल के उदय के विभिन्न मत, ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है और इस टेक्निकल पॉइंट को मैं ये चाहूंगा कि आप स्वयं से सोचें और यह आत्मसात करके अपने ऊपर गुजारिए हर एक परिस्थिति को। देखिए, यूं ही कोई परिवर्तन नहीं होता, यूं ही कोई काल नहीं आता, कोई न कोई कारण विद्यमान होता है, उस कारण की आगोश में ही अगला कदम आता है, ऐसा नहीं है कि बस वैसे ही आ गया। और यह हर परिस्थिति में, हर युग में यह रहेगा, ऐसा नहीं है कि हर युग में यह नहीं रहेगा, आप जब भी सोचेंगे तो वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यह बात है कि आपका सोच कैसा है, कितना वह आप आत्मसात कर लेते हैं, यह डिपेंड आप पर करता है। हम दूसरे पॉइंट पर अगर बात करें कि भक्ति काल के उदय के विभिन्न मत, इस मत में अगर हम चलते हैं, इस मत में अगर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले इस भक्ति काल के उदय में रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, पहला अगर हम उदय लेते हैं तो रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल को लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, इसके पहले थोड़ा सा और भी इसके बारे में हम आपको ये बता दें। देखिए, परिस्थितियां परिवर्तन के आयामिक होती हैं और ये आयाम क्या हैं आप इसको जानिए। रामचंद्र शुक्ल को जानने से पहले आपको मैं बता दूं, एक सार बता दूं, या तो परिस्थिति सामाजिक होगी, ऐसा ही होगा, परिवर्तन का रूप जो होगा, या तो परिस्थिति सामाजिक होगी अगर परिवर्तन होता है तो, या तो परिस्थिति आर्थिक होगी और या तो परिस्थिति राजनैतिक होगी, राजनैतिक होगी। यह जो है ना, यह तीन ही आपके मेन काज बनते हैं, तीन ही क्या है, मेन यानी मुख्य कारण बनते हैं परिस्थिति परिवर्तन के, और यह हर व्यक्ति के संदर्भ में सटीक है, हर व्यक्ति के साथ है। बदलाव कब होता है, या तो कोई समाज के द्वारा अब बहिष्कृत कर दिए जाते हैं, समाज में जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा आपकी नष्ट हो जाती है, आप सामाजिक रूप से एकदम कट जाते हैं, समाज ने आपको बहिष्कृत कर दिया है, समाज ने आपको तिरस्कृत कर दिया है, ये समाज है। अगर आपके अंदर योग्यता है और आप जब तक पूजनीय हैं तब तक समाज अपने सर आंखों पर बिठाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वही समाज आपको तिरस्कृत कर देता है। यही समाज, जब तक आप नौकरी प्राप्त नहीं किए हैं
तब तक यही समाज आपको क्या कहता है, हिकार की नजरों से देखता है, यानी आपको निकृष्टता की नजरों से देखता है। ये क्या कर रहे हैं, इतने समय तक पढ़ रहे हैं, अभी तक नौकरी नहीं मिली है, तमाम बातें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने घर तक, अगर वह बाहर रह करके पढ़ते हैं तो अपने घर तक नहीं जाते हैं, बहुत सारी समस्याएं, कब तक पढ़ोगे, तमाम चीजें उनके उनको झेलना पड़ता है। ये सामाजिक परिवेश, घर वाले नहीं पूछ रहे हैं आपको, जो घर वाला पैसा है वो दे रहा है वो नहीं पूछ रहा है, लेकिन आपके पड़ोसी जरूर पूछ रहे हैं, आपके नात रिश्तेदार जरूर पूछ रहे हैं, वो लोग पूछ रहे हैं कब तक। अरे भाई, हम बच्चा वैसे लगा हुआ है, ये ठीक है उम्र हो गई है अभी नहीं मिला है, लेकिन मेहनत तो कर रहा है, ऐसा तो है नहीं। भले ही उनका बच्चा टेम्पू चलाता हो, भले ही उनका बच्चा परचून की दुकान करता हो, भले ही उनका बच्चा बंबई में जाकर के कपड़ा बेचता हो, भले ही उनका बच्चा दिल्ली में जाकर के कोई सामान बेचता हो, मोबाइल की दुकान पर बैठा हो, लेकिन उससे मेरा बच्चा नौकरी प्राप्त करता है और तुम्हारा इतने वर्ष हो गया और अभी तक तुम्हारा कुछ हुआ नहीं, वो क्या करेंगे, आपको डिमोरलाइज करेंगे। तो सामाजिक रूप से क्या होंगे, या तो विच्छिन्न हो जाएंगे, या छोड़ देंगे, या अभी कुछ काम करने लगेंगे। तो समाज अगर आपको यह प्रताड़ना देता है लेकिन वहीं पर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तब क्या करता है समाज, आपको सर आंखों पर बैठता, मैं जानता था इसको, बच्चे को कितनी प्रतिभा है, इसमें कूट कूट करके भरी हुई है, मैं जानता था लेट हो रहा है, लेकिन जो है ये पाएगा जरूर, ये समाज है। सारे लोग कहेंगे हाँ हाँ वो मैं जानता हूं, वो मेरा रिश्तेदार है, सारे लोग आपकी प्रशंसा में जुट जाएंगे। तो ये समाज है। तो सामाजिक रूप से या तो ऐसा हो कि तब आप विचलित तो हो जाते हैं, नहीं तो आर्थिक रूप से ऐसा हो, नहीं तो राजनैतिक रूप से कुछ ऐसी राजनैतिक चहल पहल हो जाए, कुछ ऐसा राजनैतिक परिवर्तन हो जाए कि आपकी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। तो ये मेन कारण है, और भी सारे इसके पहलू हैं, सब पार्ट हैं, लेकिन मेन कारण आपको यही आते हैं। इसी की आगोश में यह भक्ति काल बचा नहीं है, इसी की आगोश में भक्ति काल भी आया है। यहां पर आपको इसी की आगोश में भक्ति काल भी दिखाई देगा, यानी आदि काल का जब समापन, यानी यहां पर जो है उदय का जो विभिन्न मत आ रहा है, तो ये मत भी तो आएंगे, तो मत भी उसी रूप में आएंगे, जब अध्ययन करेंगे तो यहीं पर कहीं ना कहीं आपको पाएंगे। तो पहला रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह बताया है, इनका भी अध्ययन एक अलग अध्ययन है लेकिन अच्छा अध्ययन है। तो ये कहते हैं निराशा की देन है या इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ये दो बातें कहते हैं। एक तो कहते हैं निराशा की देन है और इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, ठीक है। देखिए रामचंद्र शुक्ल जो है, यानी आरसी शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल को मैं आरसी शुक्ल लिखूंगा, आप समझ लीजिएगा कि ये रामचंद्र शुक्ल ही मैं लिख रहा हूं। आरसी शुक्ल ने ये क्या कहे कि निराशा की देन है। इनका स्टेटमेंट जो आता है, वो स्टेटमेंट आता है कि भक्ति काल का जो प्रकटन है वह निराशा की देन एवं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। यह इनका स्टेटमेंट आता है। आप इनकी पुस्तक पढ़िएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िएगा, रामचंद्र शुक्ल की पढ़िएगा, और रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को अपना मूल ग्रंथ आप बना लीजिए, सीधी सी बात है, और उसको एक बार नहीं अनेकों बार पढ़ जाइए। आप उस पर कभी ये मत सोचिए हमको समझ में नहीं आ रहा, आएगा पहली बार नहीं आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा, तीसरी बार से वो आपको अच्छी लगने लगेगी, पुस्तक अच्छी लगने लगेगी। उसमें आप देखेगा, भक्ति काल उठाइएगा, इन्होंने एकदम लिखा हुआ है कि भक्ति काल का प्रकटन निराशा की देन एवं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है। और इन्होंने बड़ा लंबा स्टेटमेंट है इनका कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश नहीं बचा, न रह गया, उसके सामने ही उसके देव मंदिर को तोड़े जाते थे, गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी, पूज्य पुरुषों का अपमान होता था, और कुछ ये जो है कुछ भी नहीं कर पाते थे। ये रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न ही किसी को सुना सकते थे, यानी जो है इससे वो क्या हो गए, लज्जित हो गए, यानी लज्जित हो गए और
जब ये लज्जित हो गए, अब क्या कर सकते हैं? तो अब यहां आगे चलकर मुस्लिम साम्राज्य की अवधारणा हो जा रही है, ये इनका स्टेटमेंट है। और ये राजनीतिक कुछ उलट पुलट हो जाती है। इस राजनीतिक उलट पुलट में ये स्टेटमेंट उनका, दो स्टेट दोनों इसी स्टेटमेंट का भाग है, ऊपर और नीचे का भाग है। ये दोनों पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि अपने पौरुष से हताश जात के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान से ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यानी ये रामचंद्र शुक्ल का स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट, एक तो भक्ति काल का प्रकटन, निराशा की दिन इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ है पहला स्टेटमेंट, कभी कभी ये पूछ लेता है। दूसरा इसी का भाग है, इसको भी अंत वाला भी पूछ लेता है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त तो दूसरा मार्ग ही बचा क्या था, ऐसा भी इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने लिखा। तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने सीधा जैसे अभी तक क्या है, हम गुणगान गाते चले आ रहे हैं, अभी हम दरबारों से संबंधित हैं, लेकिन इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया हो रही है। इस्लामी आक्रमण की जब प्रतिक्रिया हुई, इस्लाम यहां पर यानी दिल्ली सल्तनत यहां पर स्थापित हो गया है, तो दिल्ली सल्तनत जब राजनीतिक रूप में, चलिए अगर इतिहास जानते हैं थोड़ा सा, तो दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हो गई है, बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक से ही क्या माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक से ही भक्ति काल का प्रारंभ होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल कब आता है, 1325 से 1351 के बीच में मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल आता है। तो आम मोहम्मद बिन तुगलक से आप अगर पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अगर पढ़ते हैं, तुगलक इसको MBT भी पढ़ सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक भी पढ़ते हैं, MBT से अगर देखेंगे तो यानी 1325 से लेकर के 1351 के बीच ये मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल रहता है। और आप ये जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पागलों का मिश्रण था, इसके निर्णय इसके समय बहुत ही ज्यादा क्षति हुई है मंदिरों को। मान लीजिए कि आप हैं और आपने घर के आप मुखिया हैं, आपने बहुत कुछ बनाया है, आपकी बड़ी जो है नाम है, आपका बड़ा मंदिर बनवाए हैं, आप जो है बाग लगवाए हैं, आपके लोग आते हैं, आपके दरबार में लोग आते हैं, और आप ही के खिलाफ, आप ही के सामने पूरे मंदिर नष्ट कर दिए जाए, पूरी जो है बागवानी उजाड़ दी जाए, पूरा घर आपका गिरा दिया जाए, आप किससे प्रशंसा करने जाएंगे कि मैं ऐसा था, तो आप क्या होंगे, हताश हो जाएंगे। तो रामचंद्र शुक्ल से भक्ति काल का प्रकटन जो निराशा की देन है, ये कहते हैं कि जब व्यक्ति जो है निराश हो जाता है तो अब जाएगा कहां भाई, नैराश्य अवस्था आप जाते हैं तो आप भी आज भी कभी दुख में हो जाते हैं तो दुख के समय में आप जाते कहां है, या तो मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, यही तो जाएंगे, गुरुद्वारे जाएंगे, जो आपका इष्ट होगा उसी के सामने जाकर के रोएंगे, उस जो मूर्ति है वह मृत अवस्था में, यानी उसमें जान नहीं है लेकिन फिर भी वह आपकी समस्याओं का निराकरण करती है। यानी कि अब जो है ये रामचंद्र शुक्ल ने निराशा की देन है एवं इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया, जब इस्लामी आक्रमण हो रहे हैं तो इस प्रतिक्रिया स्वरूप भी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे अब हमारे पास ईश्वर के भजने के सिवा अब कुछ रह नहीं रहा है, यानी हमारा जो पौरुष है वह हताश हो रहा है, इनके सामने हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ये बताते हैं कि निराशा की देन और इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के स्वरूप यह भक्ति काल का उदय हुआ है। इसमें बात में भी सच्चाई है कि ये जो है ऐसा भी होता है कि भक्ति आंदोलन यहीं से उत्पन्न हुआ है, हम नैराश्य अवस्था में गए हैं, हम अपने गुणगान अब नहीं कर पा रहे हैं, हमारे सामने ही सब कुछ नष्ट हुआ, अब हम धीरे से घर बार छोड़ देंगे, मंदिर में चले जाएंगे, कहीं अन्य चले जाएंगे और भजने लगेंगे, तो भजने लगेंगे यानी स्मरण करने लगेंगे किसका, अपने इष्ट का, अपने देवता का, अपने कुल का, जो भी आपको लगता है, जो भी हो उसका आप स्मरण करने लगेंगे, ये रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। इसके बाद बहुत सारे विद्वान आते हैं, उन विद्वानों के बारे में हम बात करेंगे,
हम ताराचंद के बारे में बात करेंगे, हम इरफान हबीब के बारे में बात करें, हम बेबर के बारे में बात करेंगे, हम कीत के बारे में बात करेंगे। यानी सभी विद्वान जो है अपने अपने रूपों में क्या किए हैं यह बताए हैं कि भक्ति काल का उदय कैसे हुआ है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इसी के आगे जो है आपसे बात करेंगे, और तब तक के लिए आप इसको एंजॉय लीजिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और अपनी पुनः मैं इस बात को दोहराऊंगा कि अपना क्षमता पूरी की पूरी अर्पित कर दीजिए और कम समय में एक अच्छी आप नौकरी ले लीजिए, बेरोजगारी को दूर करिए और अपने जीवन को साकार करिए, अपने स्वर्णिम भविष्य को उन्नत करिए, ताकि आप भी समाज से जो कटा हुआ धारा है उस कटे हुए धारे से हम मुख्य धारा में शामिल हो जाएं। ठीक है, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। यूं मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।